भारतीय जनता पार्टी के 42वें वर्ष पूर्ण होने पर भारत भर में स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं मुंबई स्थित मलाड पश्चिम में रेलवे स्टेशन के बाहर भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए संबोधन का सीधा प्रसारण जनता को दिखाया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आरयू सिंह, बीजेपी नेता यूनुस खान, सुनील कोहली, नरेंद्र राठौड़, दीपक रॉय राणे, विशाल भगत, प्रदीप गोड़े मुख्य रूप से उपस्थित हुए। उन्नीस सौ 80 को दिल्ली में माननीय अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, नानाजी देशमुख, सुंदर सिंह भंडारी, इन बड़े नेताओं के हाथों से हमने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। जनता पार्टी से 5 अप्रैल को हम अलग हो गए और हमने भारतीय जनता पार्टी पार्टी का नाम रखा और तब से आज तक भारतीय जनता पार्टी इस रास्ते पर चलती है कि देश राष्ट्रवाद आगे रहे। 1996 के बाद फिर 2014 में हमारी सरकार बनी और हमको खुशी है इस लंबी यात्रा में, 42 साल की लंबी यात्रा में हम देश पर शासन करने में सक्षम हुए और जो शासन हम कर रहे हैं यह दुनिया के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। सर, ये पूरे सफर को किस तरह से देखते हैं? सफर तो संघर्षों से शुरू हुआ। 1984 में बहुत ही दुखद घटना हुई कि हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई। वह खालिस्तानियों के द्वारा की गई, हमको बड़ा दुख हुआ। और उसी समय जो चुनाव हुआ लोकसभा का, कांग्रेस पार्टी सारे देश में बहुत प्रचंड बहुमत से जीत कर आई और हमको सिर्फ 2 सीटें मिली, एक आंध्र प्रदेश से और एक गुजरात से। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हम अपने नेताओं के दिखाए हुए रास्ते पर चलते रहे और उसका नतीजा हुआ कि 1996 में हमारी सरकार आई, फिर 1998 में हमारी सरकार आई, फिर 1999 में हमारी सरकार आई और तीनों बार अटल जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद वह कड़ी आगे बढ़ती गई और 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश से सांसद बनकर इस देश के प्रधानमंत्री बने। और मैं समझ रहा हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जो संघर्ष किया वो संघर्ष ही दिखा रहा है कि मोदी जी ऐसे निखरे हुए नेता के रूप में दुनिया के सामने आए जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। आज 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिन है और पूरे देश में हर्ष उल्लास के साथ भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिन मनाया जा रहा है। और इस स्थापना दिन के दिन में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी, इसमें ही पूरा सार आ गया कि भारत के लोगों के लिए जनता की बनाई हुई ये पार्टी है। और आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत के सपने अधूरे थे वो पूरा करने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और आने वाले समय में पूरी तरह जो देश का विकास इस भारत की जनता ने सोचा था उस तरह देश का विकास होगा। और आने वाले समय में जैसा कहा जाता था पिछले ज़माने में कि भारत एक सोने की चिड़िया भारत में हुआ करता था, ऐसा देश था। और आने वाले समय में वो आसार हमको दिखाई दे रहे हैं। आप देखेंगे परराष्ट्र नीति के बारे में, जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो पूरी विश्व भारत की ओर देख रहा है, भारत की भूमिका क्या है। और ऐसे में भारत सिर्फ अपने आजू बाजू की जो हमारी शत्रु देश है उससे ही खाली निपट नहीं रहा। जैसा आप देखेंगे आज आर्थिक समस्या से नेपाल गुजर रहा है, श्रीलंका गुजर रहा है, उनको भी मदद पहुंचाने का काम कर रहा है। और एक खाली इतना ही उदाहरण दूंगा कि बोफर्स की जो तोप की जो राजीव गांधी ने जो खरीदी थी उसकी जो लंबाई थी 140 किलोमीटर, लेकिन आज भारत वही देश को जिन्होंने हमको बोफर्स दिए थे उनको
शस्त्र अस्त्र देने का काम कर रहा है, यही भारत के तरक्की का निशान है। पहले तो मैं हमारे वरिष्ठ आदर्श आर्यू सिंह जी ने कहा कि हम लोग 2 से 302 तक कैसे पहुंचे, उनके बारे में जिस प्रकार से उन्होंने बताया, आज कार्यकर्ता लोग का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि कल रात से ही आज स्थापना दिवस 42 स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। कल रात से ही लोग जग के झंडा लगाने का काम, बैनर लगाने का काम पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, जैसा कि सोशल मीडिया से मालूम चला। और ये महाराष्ट्र में मलाड में हमारे मार्गदर्शक गोपाल सेट्टी जी के नेतृत्व में, सुनील कोहली जी मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में, आज यहाँ के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। और प्रधानमंत्री के जो भाषण है वो ये बताता है कि वो अंतिम पंत तक लोगों तक सुविधा पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, और आने वाले दिन में हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा, इसमें कोई दो मत नहीं।